चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा यार नबील यार हमारा इतना बड़ा लॉन है हम यहाँ कुछ करते क्यों नहीं ओ, क्या हो गया महमूद साहब आपको यार हम रोज शाम की चाय यहाँ पीते हैं माँ जी झूला झूलती हैं सोना चांदी फुटबॉल खेलते हैं और क्या यहाँ गन्ने की फसल लगानी है गन्ने की फसल तो बुरी लगेगी चावल उगा लेते हैं उधर मैं सोच रही थी कि ना लॉन में वो लगा लूं वो क्या माँ जी वही जो मैं बड़े शौक से खाती हूँ रोटियाँ नहीं रोटियां नहीं वो ओ यार रोटियां लॉन में कैसे लगेंगी अरे रोटियां नहीं लग सकती तंदूर तो लग सकता है ना मैं रोटियों की नहीं इस खरबूजे की बात कर रही हूँ ओ माँ जी ये खरबूजा नहीं है सेब है यार हाँ जी जी जानू नबील जवाद अंकल का फोन आया था अरे जवाद अंकल का फोन आया था मैं मुझसे सुना आपने जवाद अंकल का फोन आया था जानू जवाद अंकल है कौन व्हाट अरे अंकल जवाद यार खूबसूरत के अंकल हैं ओहो पापा के बचपन के दोस्त हैं नबील अच्छा वो यहाँ आ रहे हैं तुम्हारे पापा अरे नहीं अंकल जवाद और वो दोस्त तेरे बाप का है यहाँ क्यों आ रहे हैं हाँ भाई ये कौन सा तरीका है वो यहाँ मुझसे मिलने आ रहे हैं ओ वैसे जानू तुम्हारा भी कोई कैलिबर नहीं रहा हर अरे घर से मिलने लग जाती हो शट अप नबील वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है ओए तूने इतने बड़े पागल को घर बुला लिया है ओ माँ जी साइको नहीं है वो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या होता है अरे तुम्हें साइकोलॉजिस्ट का मतलब नहीं पता नहीं शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम जैसी गवार औरत से शादी की ना तो तू बता दे ना कि इसका मतलब क्या होता है जाहिल औरत नबील बताओ अपनी माँ को कि साइकोलॉजिस्ट कौन होता है साइकोलॉजिस्ट खूबसूरत का अंकल होता है माँ जी खुश हो मोमो एक बोटली मुझे भी दे दो ओ यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं अरे अंधे हो क्या नजर नहीं आ रहा खाना खा रहे हैं आप लोग जो खा रहे हैं वो खाने हाँ जी लेकिन मामू साहब अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं यार अरे तुम्हारी बीवी का अंकल आ रहा है वो पता नहीं हमारे लिए खाना छोड़े के ना छोड़े इसलिए हम दोपहर का खाना एडवांस में खा रहे हैं क्यों मोमो आप लोग क्या कर रहे हैं बिरयानी बिरयानी कहाँ है ओ यार मैंने ये बिरयानी अपने अंकल के लिए बनाई थी और आप लोग खा गए मैंने इसे बहुत रोका खूबसूरत मगर ये नीयत खराब मानी ही नहीं और तूने भी तो खाई है अरे खुदा का खौफ करो मोमो मैं तो सिर्फ नमक चख रहा था कि अगर इसमें नमक कम है तो मैं रायते में नमक ज्यादा डाल दूं नबील देख लिया तुमने नहीं जानू मेरे आने से पहले तो बोटियां खत्म हो चुकी थी आप दोनों माँ बेटे ना मुझे मेरे अंकल के सामने जलील करवाएंगे हाँ खूबसूरत मुझे भी यही लग रहा है एक काम करते हैं इन दोनों को घर से निकाल देते हैं बकवास बंद करो नबील तुम्हारी माँ ने मेरी बिरयानी खत्म की अब तुम अपने पैसों से बिरयानी लेकर आओगे अंकल के लिए और जानू मेरे पास जितने पैसे है ना उसमें सिर्फ 2 समोसे और 3 जलेबी आ सकती है हाय पुत्र जल्दी से पकड़ ले मेरा मीठा खाने को भी बड़ा दिल कर रहा है अंकल आ गए ओए अब खबरदार जो किसी ने उनके सामने कोई उल्टी सीधी हरकत की जानू तुम फिक्र मत करो तुम्हारे अंकल समझो हमारे अंकल क्यों माँ जी अस्सलाम वालेकुम अंकल वालेकुम सलाम कैसी हो बेटा बिल्कुल ठीक अंदर आइए 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 अंकल आइए अरे छोड़ो यार मुझे क्या बदतमीजी भाई क्या कर रहे हो फवाद अंकल आप कैसे हैं यार इतनी तारीफें पूछना करती है कहती थी मेरे फवाद अंकल ऐसे हैं मेरे फवाद अंकल वैसे हैं मेरे फवाद अंकल बड़े दिल के हैं बड़े पैसे खर्चते हैं फवाद अंकल मेरा नाम जवाद है जानू तुम्हें तुम्हारे अंकल का नाम भी नहीं पता चल आप नबील ओके जानू जानू एक काम करो अंकल के लिए अच्छी सी चाय लेके आओ मैं चाय नहीं पीता लाए पैसे दे मैं आपके लिए सिगरेट ले आता हूँ बेटा खूबसूरत तुम्हारा मुलाजिम तो बहुत फ्री हो रहा है अबे ओ मैं इसका मुलाजिम नहीं शौहर हूँ क्या अंकल आप बैठे ना प्लीज
कि तुम्हारा शौहर है? जी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। आपको भी यकीन नहीं आ रहा ना? किसी को भी यकीन नहीं आता कि इतना हैंडसम और खूबसूरत आदमी खूबसूरत से शादी कैसे कर सकता है। नबील प्लीज अंकल लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करो, तब तक हम दोनों बात करते हैं। अच्छा आप बोलो जानू, क्या बात करनी है? तुमसे नहीं अंकल से। अच्छा हाँ तो कर लो जानू, मैंने कौन सा मना किया, मैं तो अपना गिफ्ट लेने आया था। लाइए अंकल। क्या? अरे वही अंकल जो आप मेरे लिए लेकर आए। मैं तो कुछ नहीं लाया। कैसे अंकल हो यार, भतीजी के घर पहली दफा आए और खाली हाथ आ गए। चलो कोई मामला नहीं, कई दफा आदमी भूल जाता है, कैश ला दे। क्या नबील? अरे तुम तो कह रही थी बड़े पैसे वाले हैं मेरे अंकल, साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े लोगों का इलाज करते हैं। और सुनो, और जो भी खाना ऑर्डर करो ना, पैसे इन्हीं से ले लेना, एक आधी देख तो ये चखने में खा जाएंगे। बड़े आए अमीर अंकल। बेटा तुम कैसे गुजारा करती हो इस आदमी के साथ? बड़ी मुश्किल से अंकल, बट मत पूछ। नबील ना कोई घर का काम करता है ना नौकरी करता है, घर का खर्चा भी पापा उठाते हैं। बहुत ही ठीक है तुम्हारा शौहर। अब ये क्या चीज? मैं चीज बड़ी हूँ वो मैं चीज बड़ी हूँ वो, ये मेरी सास है। ये सिद्दीकी ने तुम्हें कहाँ ब्याह दिया बेटा? ये कौन है शमीम? मेरा नाम शमीम नहीं जवाद है। ये शमीम मुझे कह रही है। क्यों? वो माँ जी को भूलने की बीमारी है ना। क्या भूलने की? सब कुछ भूलने की। पुत्र ये कौन है? माँ जी ये मेरे अंकल हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। अच्छा तो जल्दी से दवाई निकाल, मुझे वो आ रही है। वो क्या? वो जो ज्यादा खाना खाने से आ जाती है ना। माँ जी ज्यादा खाने से क्या आ जाती है? ये डकार। वोशल्ला जल्दी से दवा निकाल। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, हकीम नहीं हूँ, मैं आपकी डकारों का इलाज नहीं कर सकता। मैं तो फिर तुम क्या कर सकते है? बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शौहर को हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। उससे क्या होगा अंकल? वो तुम्हारी हर बात मानेगा। क्या? हाँ बेटा भीगी बिल्ली बन जाएगा, भीगी बिल्ली। हाँ तो फिर मेरे मियाँ को भी सूखा बिल्ला बना दें जादूगर साहब। जादूगर नहीं साइकोलॉजिस्ट। अंकल क्या सच मुझे ऐसा हो सकता है? अरे तुम मेरे टैलेंट पे शक कर रही हो बेटा? नहीं लेकिन मुझे नबील के टैलेंट का पता है, वो इतनी आसानी से नहीं सुधरेगा। अरे तुम दोनों को बुलाओ तो फिर तुम देखना। नबील ओ यार क्या हो गया, कोई इस घर में थोड़ी देर रिलैक्स होने नहीं देता। क्या बात है मोमो, क्यों बुला रही थी तुम? आपको हेपेटाइटिस करना है। क्या? ओ माँ जी हिप्नोटाइज। हाँ भाई। वो किस लिए भाई? अरे भाई हिप्नोटाइज करने के बड़े फायदे होते हैं। मसलन? मसलन ये कि आप अपनी जवानी में वापस जा सकते हैं। अरे चले फिर शुरू करें। आओ नबील। अंकल हिप्नोटाइज से हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। अंकल एक्चुअली कॉलेज के दौर में ना मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, क्या मैं उसके घर जा सकता हूँ? व्हाट? अरे तुम बैठो तो, जहाँ तुम कहोगे मैं ले चलूंगा तुम्हें। अरे जानू तुम्हारे अंकल तो बड़े काम के निकले। वो जो ये निकले हैं वो बड़े काम के हैं। हाँ जी आए फिर अंकल शुरू करें। यहाँ नहीं अंकल वहाँ शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सीन हो गए हैं। आ जा आ जा। तुम दोनों सो रहे हो? नहीं बोलो नहीं यार, सिर्फ इसको देखो बस। ओहो मुझे चक्कर आ रहे हैं अंकल। वेरी गुड वेरी गुड, अब तुम दोनों सो चुके हो। देखा तुमने, ये दोनों मेरे काबू में आ चुके हैं। क्या हुक्म है मेरे आका? देखा, लेकिन आपने तो कहा था कि नबील मेरे काबू में आएगा। अरे हाँ भाई, जो तुम कहोगी वो ये करेंगे, भीगी बिल्ली बन करेंगे तुम्हारे सामने। अच्छा हाँ हाँ टेस्ट कर लो। नबील नबील जानू हुक्म करो। अरे वाह माजी माजी उठे। क्या हुआ है क्या हुआ है? हमारे शोहर भीगी बिल्लियां बन गए हैं। हाँ ना, हम जो भी बोलेंगे ये दोनों वही करेंगे। नबील उठो, पूरे घर की सफाई करो। ओके जानू। मसाऊद आप सारे घर के मैले कपड़े धोए। शाबाश। ओके तुम्हारा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। ओके खुदा। ओके खुदा फेस। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल।
डबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई गाए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। माँ जी जमाल नहीं कमाल। कौन कमाल? अरे वही कमाल जो जाते जाते जवाद अंकल करके चले गए। ये हमारे शोहरों को गुलाम बना दिया हमारा। हाँ पुत्र, ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया। हमारी सारी ना वो खत्म हो गई। वो क्या? वो जो सर में होती है ना जुए। और जुए नहीं, वो जो जुओं की वजह से होती है खुजली। और नहीं वो। माँ जी प्लीज यार टेंशन ना दे। हाँ हाँ टेंशन, हमारी सारी टेंशन खत्म हो गई। हाँ माँ जी, अब हम इन दोनों से घर के अंदर भी काम करवाएंगे और बाहर भी। ये तो अच्छा हो गया ना। नबील घर की सफाई हो गई? म्याओ। हैं? आपने कपड़े धो लिए? म्याओ। ये आप दोनों को क्या हो गया? म्याओ। महमूद साहब? म्याओ। पुत्र मुझे लगता है इन दोनों को बिल्ली ने काट लिया, ये दोनों बिल्ली बन गए। माँ जी वो जवाद अंकल ने कहा था ना कि हमारे शोर को हिप्नोटाइज करके भीगी बिल्लियाँ बना देंगे। ओए होए, इसका मतलब है हमारे मिये जो हैं वो बिल्लियाँ बन गए। हाय हम इनसे बातें कैसे करेंगे, मुझे तो बिल्लियों की लैंग्वेज भी नहीं आती है। ओ दफा करें माँ जी, इनसे बात करके कौन सा हमारा दिल खुश हो जाना था। इनसे बस काम करवाएंगे हम और क्या। शाबाशे, अरे मटे वाले मनूस बिल्ले, जा जाके रात का खाना बनाओ। और नबील तुम सारे बर्तन चाट के, अब मेरा मतलब है धो के सो गए, इससे पहले नहीं। चले माँ जी, अब शुरू होती है हमारी अय्याशी। होशामशी। चल पुत्र इनके लिए भी थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है। सुनो प्लेट साफ कर देना अच्छी तरह। चले माँ जी। चलो शोहरों को। माँ जी अंकल तो वापस दुबई चले गए हैं। वो बेड़ा गरक हो गया, अब क्या करें, ये खूंखार बिल्ले तो हमको नोच नोच के खा जाएंगे। माँ जी मैं तो कह रही हूँ डॉक्टर शायद को बुलाते हैं। और जिसको भी बुलाने जल्दी बुलाओ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ, बुलबुले वाली। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये प्लीज आप फौरन आ जाएं। क्या क्या हुआ? डॉक्टर साहब सुबह आएंगे। और तो हम रात कैसे गुजारेंगे? जागते हुए माँ जी। और हमारे मियाँ रात भर क्या करेंगे? कोलोन में चूहे पकड़ेंगे माँ जी।
क्या मदन से होगा? आप लोग बता क्यों नहीं रहे? डॉक्टर साहब, हमारे शोहर बदल गए हैं। किसके शोहरों के साथ बदल गए? भाई इस बार ना अच्छे वाले शोहर लीजिएगा। हमने तुझे अपने शोहरों के इलाज के लिए बुलाया है। अरे अरे क्या हो गया भाई इन लोगों को? ये लोग बेहोश क्यों हो गए भाई? अरे भाई फिक्र ना करें, इनके चेहरों पे पानी डालें, ये होश में आ जाएंगे। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। अरे बेहोश नहीं हुए, सो रहे हैं। अरे भाई तो सोने दे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओए हमारे मियाँ कुत्ते बन गए। क्या क्या बन गए? कुत्ते नहीं बिल्ली। ओ भाई मुझे कंफ्यूज ना करें, कुत्ते बने या बिल्ली बता दो। बिल्ली। लेकिन देखने में तो वैसे ही है। इनकी आवाज बिल्लियों जैसी हो गई है और हरकतें भी बिल्कुल। अरे भाई ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? क्या किचन में पतीले में मुंह डाल के क्या यूँ सारा दूध पी गए क्या? ये बाहर लॉन में बच्चे दे दिए इन लोगों ने, क्या किया है? गॉड, अब मैं आपको कैसे समझाऊं डॉक्टर साहब? पता इन दोनों को उठा देते हैं, आप ही समझा देंगे। हाँ ये ठीक है माँ जी। नबील, नबील भाई ये तो वाकई सचमुच की बिल्लियाँ बन गए। माँ तो तू क्या समझ रहा था ये प्लास्टिक की बिल्लियाँ बने? हमने इनके इलाज के लिए तो आपको बुलाया डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने ये बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल आपने ये दूर फैसला किया है। अरे भाई मैं जानवरों का ही तो डॉक्टर हूँ। जानवर बोलने से ये लोग बुरा मानते हैं? कोई जानवर जानवर बोले तो बुरा मान जाते हैं। अरे भाई आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं लोगों को एक इंजेक्शन लगाऊंगा, ये लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है वश्य वश्य। अच्छा चले जल्दी जल्दी करें, आप दोनों इन्हें पकड़ें भाई, जल्दी से पकड़ें। अच्छा और ये तो हमें काट रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है, एक काम करें, पहले आप दोनों एक एक इंजेक्शन लगवा लें ताकि इन दोनों के काटने का आपको असर ना हो। ठीक है मैं इंजेक्शन ही लगवाऊंगी, मुझे दर्द होती है। दफा कर इसे, मुझे इंजेक्शन लगा दे। ये हुई ना बात, एक मिनट बस एक मिनट। चलो भाई अब इन दोनों की बारी भाई, इन दोनों को पकड़े जल्दी से पकड़े जल्दी से। अरे ये लोग तो मर गए। अरे नहीं भाई ये लोग अभी उठ जाएंगे। जानू मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और ये डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? देखा देखा मैंने कहा था ना नॉर्मल हो गए ना। माँ जी देखे नबील और महमूद साहब ठीक हो गए हैं, उठे। पहले तो मोहल्ले में आते जाते कोई हसीना टकर जाया करती थी, अरे अब तो आंखें तरस गई हैं किसी औरत को देखे यार। जब से ये नाम की खूबसूरत मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी से खूबसूरती बिल्कुल ही चली गई है यार। कि आप इतना हीरो बन के कहां जा रहे? मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, किस वजह से जा रहा हूं, मैं ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। ये दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा माँ जी? आपस में नहीं माँ जी, किसी लड़की से। उन्हें हम लोग मुंह नहीं लगाते तो कोई और कैसे लगाएगा? ये क्या हमारे मोहल्ले वाली निर्वा? हाँ वो जो गोरी गोरी है वो? हाँ भाई। अरे तेरी ऐसी की तैसी, वो तेरी नहीं मेरी होने वाली बीवी है। क्या चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा कोई जाए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा कोई आए जाए चलता जा।